अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरा रिजल्ट डे था और पेपर्स, मुझे पता था मैंने पेपर्स में बहुत हार्ड वर्क किया और मेरे पेपर्स अच्छे हुए थे, और इसी वजह से मैं फ्रेंड्स रात को मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई थी कि कल मेरा रिजल्ट डे होगा और मेरा रिजल्ट कैसा होगा। ये तो मुझे पता था मेरा रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो आज सुबह मैं बहुत इमोशनल होकर घर से गई थी और मैं अपने मम्मा पापा के साथ गई थी, और मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। मेरे छोटे बहन भाई हैं, उन्हें तो गिफ्ट्स मिले क्योंकि मैं तो बड़ी क्लास में हूँ, और इस वजह से मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। मुझे 3 सर्टिफिकेट्स मिले। मैं आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, तो और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स दिखाती हूँ। ये है, मैं यहाँ पर मुझे 3 सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मुझे तो यहाँ पर 2 एक ही कलर के हैं वैसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना सबसे छोटा सा सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। ये है क्लास अवार्ड का सर्टिफिकेट, जहाँ पर मेरा नेम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4 एक्सलेंट जॉब इन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट। ये ऑनलाइन असाइनमेंट का है सर्टिफिकेट। देन उसके बाद मैं तो इन सर्टिफिकेट्स को पाकर बहुत खुश रही हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। ये देखिए, अब मैं आपको अपना अगला ये वाला सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पे मेरा नेम लिखा हुआ है, और ये मेरा क्रिएटिव राइटिंग का सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैं क्रिएटिव राइटिंग लिखती थी, फिर जाके पब्लिश बोर्ड पे लगाती थी, और फिर मैम को जिसकी पसंद आती थी मैम उसे सर्टिफिकेट देती थी। ये देखिए, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं तो ये 2-3 सर्टिफिकेट्स पाकर बहुत खुश हुई हूँ। और ये 3rd सर्टिफिकेट है मेरा, ये है बेस्ट टीचर के तौर पे, क्योंकि मैम हमें हमसे रीडिंग करवाती थी उर्दू और इंग्लिश की, उसके बाद मैम हमें सर्टिफिकेट देती थी। ये देखिए, ये 3 सर्टिफिकेट्स हैं, और ये देखिए, ये है मेरे वो 3 सर्टिफिकेट। अब मैं इन 3 सर्टिफिकेट्स को संभाल कर रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरे नेक्स्ट क्लास में काम आएंगे। उसके बाद हमें 3 मंथ्स की हमें छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, और इस वजह से मैं अब इन छुट्टियों में बहुत इंजॉय करूंगी। वो हर काम करूंगी जो मैं पेपर्स में नहीं कर पाई, सिवाय पढ़ने के, क्योंकि वो तो पूरा साल ही हम पढ़ते हैं। अब तो मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना। मैं हर जगह जाऊंगी, घूमूंगी, व्लॉगिंग करूंगी और हर काम करूंगी, खूब इंजॉय करूंगी, बाहर दोस्तों के साथ खेलूंगी। और ये मेरा सबर बहुत अच्छा गुजरेगा, और उसके बाद मैं व्लॉगिंग भी करूँगी। उसके बाद मैं आपको अपने छोटे भाई का दिखाती हूँ, क्योंकि उसका ब्याज रिजल्ट था कि उसे इस तरह गिफ्ट में इस तरह से ही एक बैग मिला। वैसे मैंने इस तरह कार्टून्स में देखे हैं, जो ऑफिस के काम वाले बैग में होते हैं ये इस तरह होते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी पेंटिंग भी की हुई है, मैं इसे अलग से पेज पर भी करूँगी। कितने ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं। उसके बाद ये देखिए, साइड से इस तरह से पेपर का बनाया हुआ, मैं इसे ज़रूर बनाऊँगी। वाह, हमारा उछलता कूदता रैबिट, जिसे गाजर इस वक्त बहुत पसंद है, ये इस तरह से कार टाइप है। और ये देखिए, इसे मेरे छोटा भाई देखे बहुत खुश हुआ था। ये देखिए, प्यारा सा रैबिट, क्यूट सा है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने भाई का सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। इसमें मेरे भाई का सर्टिफिकेट फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने भाई की क्रिएटिविटी दिखाती हूँ, जो उसने सारा साल की थी और वो एंड में हमें रिजल्ट में मिली है। सारी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये ग्रीन पेपर पे की हुई है, जो है आर्ट से R4 रॉकेट। ये R4 रॉकेट है, देखिए। उसके बाद ये है एप्पल। एप्पल के ऊपर इस तरह से क्रैप ग्लू लगा के क्रैप पेपर पेस्ट किया हुआ है। प्ले क्लास में वो अभी ऐसे ही करेगा आर्ट पर। उसके बाद यहाँ पे शेप्स कट करके लगाई हुई हैं कंप्यूटर पेपर से। उसके बाद ये है कैटरपिलर के फेस। ये देखिए, जहाँ पे ये देखिए फर्स्ट 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने 1 फिंगरप्रिंट लगाया। 2 लिखा हुआ था 2, 3 लिखा हुआ था 3, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या बनाया हुआ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मुझे स्टन लग रहा है। छोटे बच्चों के ना ऐसे ही आर्ट वर्क्स होते हैं, देखिए। उसके बाद मैं आपको उसकी इस तरह से, और उसके बाद ये उसकी चुन्नू मुन्नू सी आर्ट है, जिसमें उसने ट्री बनाया, और देन ये बबल पेंटिंग, और ये है उसके आर्ट वर्क्स। तो मैं अब इसके आर्ट वर्क्स को साइड पर रख देती हूँ, और इसका यहाँ पे मैं गिफ्ट ओपन करती हूँ, जो इस तरह से एक अच्छे तरीके से रैप हुआ हुआ है। देखिए, यहाँ पर रेड रिबन लगा हुआ है, मैं सबसे पहले इस रेड रिबन को ओपन करती हूँ। फिर अभी देखते हैं इसके अंदर है क्या। मैं तो दिल्ली नहीं कर रही, मैं अपने भाई को दूँ। ये एक पेपर कप है, ये देखिए, उसमें 2 कैरियोन्स हैं,
दो मोटे मोटे और बड़े बड़े यहाँ पे कैरियोन्स हैं उसके पास, और यहाँ पे छोटी सी चिली मिली 5 रुपीस की, यहाँ पे कोकोमो और 2 कैंडी। मेरे तो दिल कर रहा है ये सारी चीज़ें मैं खा जाऊँ और उसको दूँ ही ना कुछ भी। और ये इससे इस तरह से रैप हुआ हुआ था, इसको इसको मैं दोबारा यहाँ पे अंदर डाल देती हूँ सेट करके। फ्रेंड मुझे तो लग रहा था इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें भी मगर काफ़ी हैं। इसको मैं दोबारा इसके अंदर डाल के पैक कर क्योंकि उसको भी तो मैंने देना है, अब अपने पास तो रख नहीं सकती, रख भी लेती ना मम्मा मुझे बिल्कुल नहीं रखने देती। अब वैसे तो मुझसे पैक हो गया जैसा तैसा हो रहा है, वैसे वैसे ही कर देती हूँ। वैसे भी उसने ओपन किया तो सिर्फ कैंडीज वगैरह ही तो खानी है उसने, कैंडियों वगैरह कुछ बर्बाद ही करना जो भी है यूज़ कर। वैसा पैक मानती हूँ वैसा पैक नहीं हुआ, मगर जैसा जैसा भी पैक हुआ है पैक हो गया है। देखिए उसके बाद मैं आप लोगों को ये अपनी छोटी बहन का गिफ्ट दिखाती हूँ। देखिए उसको मेरी छोटी बहन का ये गिफ्ट है, इसको मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहले देखिए इस तरह से पेंट्स हैं, इस पेंट्स में इन पेंट्स में टोटल 3 कलर्स हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये खुलते कैसे हैं। वाह कितना ब्राइट कलर है, पिंक कलर है। उसके बाद आप लोगों के सेकंड कलर, मुझे तो लग रहा है मुझसे गिर जाएंगे हर चीज़ मुझसे। सेकंड कलर को भी मैं खोल लेती ग्रीन कलर को, नहीं मुझे दोनों तीनों कलर खोल लेती हूँ क्या। उसके बाद देखिए ये मैं ये ब्राइट कलर ब्राइट से ये पिंक कलर है, इस तरह से डब्बी में। अब ये साथ इसका एक तरह से स्टैंप मिला है, इसे हाथ पर लगाते हैं तो मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले इस पूरे के ऊपर पेंट लगाते हैं, छोटे से ब्रश से जो भी है। फ्रेंड जी इतना छोटा पेंट है मगर मुझे इसका पिंक कलर ब्राइट सा बहुत पसंद आया है। ये देखिए मैंने इस पूरे के ऊपर पिंक पेंट अप्लाई कर लिया इस तरह से। अब मैं इसे हाथ पर लगाती हूँ, ये देखिए अब मैं इसे हाथ पर प्रिंट करती हूँ। ओ ये क्या, ये तो प्रिंट ही नहीं हो रहा, मगर जो भी है गिफ्ट होते हैं। ये देखिए साथ ही देखिए इसे एक चॉकलेट भी मिली है, ये भी मेरा अभी दिल कर रहा है मैं ही खा लूँ, मगर उसे देना ही पड़ेगा। अब मैं इसकी गिफ्ट्स को साइड पर रख देती हूँ इस तरह से। और मुझे तो इसकी पेंट्स का ये पिंक कलर बहुत पसंद आया है, बहुत ब्राइट है। ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी डब्बियों में, ये देखिए यहाँ पे 3 कलर्स हैं। और मैं इसको वापस डाल देती हूँ। आप लोगों को भी इस तरह से गिफ्ट्स मिलते होंगे, या अगर आप लोग बड़ी क्लास में होंगे तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलते होंगे। इसको फ्रेंड्स देखिए इन लोगों ने शॉपर तो इतना बड़ा दिया, अंदर है कितनी चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें हैं जो भी है, गिफ्ट है। मैं इसे वापस डाल देती हूँ, अपनी छोटी बहन को भी दे रहे हैं, वो मुझे कभी देने नहीं वाली है। आई थिंक फ्रेंड्स इस ये पेज इसलिए दिया हुआ ही प्रिंटिंग पेज पे होती होगी, मैंने तो हाथ पे कर ली जैसा भी हो। और मैंने इसे इस तरह से गिफ्ट को दोबारा पैक कर लिया, इस ब्रश को भी रख लेती हूँ अंदर। सो ये देखिए ये गिफ्ट मेरी छोटी बहन को मिला था, और ये मेरे भाई को मिला था, और ये छोटा सा रैबिट क्यूट सा ये भी मेरे भाई को मिला था। जो भी हो फ्रेंड्स आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज मुझे मेरा रिजल्ट का पता चल गया। मैं सोच रही थी कोई ना कोई गिफ्ट मुझे भी तो मिलता, आखिर मुझे सर्टिफिकेट्स मिले गिफ्ट भी तो मिलना ज़रूरी है। जो भी हो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।